अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme Buds Q 2 की। ये इनके कुछ मेन फीचर्स और जिसके अंदर आती है बैटरी और बेस और गेमिंग मोड वगैरह, और ये काफ़ी अच्छे एयरबड्स हैं इस प्राइस में। दीज आर द बेस्ट। मैं ब्लैक कलर में अनबॉक्स कर रहा हूँ और पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्लैक कलर में है। आप चाहें तो इनको samaan.pk या दराज़ पे Realme के ऑफिशियल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट ईयरबड लगे गेमिंग के लिहाज से, और भी काफ़ी चीज़ों के हिसाब से, बैटरी लाइफ और इनकी बेस जो है वो भी बहुत आला है। तो इस वीडियो में तो होगी सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग, पर हम इसका रिव्यू भी जल्दी लाएंगे, और जब वो रिव्यू आएगा तो उसका लिए वेट कीजिएगा आप। अब हम सबसे पहले तो शो कर लेते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले तो आप उधर देखे, वो हमारी अनबॉक्सिंग नाइफ है जिस पर मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पाया, पर वो नई अनबॉक्सिंग नाइफ है। अब बॉक्स ओपन करते हैं साइड पर, पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले तो हमें मिलती है यहाँ पे एक चार्जिंग केबल, जो कि सिंपल केबल है। और अब जो इसका एक मेन ड्रॉबैक है ना, जो मुझे लगा ही नहीं ईयरबड्स में, बाकी सारों को मुझे नहीं पता लगे या ना लगे, पर क्योंकि मेरा फ़ोन टाइप सी है तो इसमें माइक्रो यूएसबी केबल है, जो कि इसके अंदर मुझे एक मेजर ड्रॉबैक लगा। रियलमी को चाहिए था कि टाइप सी कर देते, क्योंकि अब हर एक में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वो बन चुका है। पर खैर, अगर ईयरबड्स अच्छे हैं तो कुछ चीज़ों पर कम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो बॉक्स में जो हमें मिलती है कुछ मैनुअल्स है, जिनको हमने फेंक दिया, जिनकी आपको पता है हमें तो ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर द प्रोज। और अब हम करते हैं, अब ये देख लेते हैं, हमें साथ कुछ ईयर टिप्स भी मिलती हैं एक्स्ट्रा, जिसके अंदर एक लार्ज होती हैं और एक स्मॉल होती हैं। जो मीडियम होती हैं वो ईयरबड्स पे अप्लाइड होती हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें ईयर टिप्स को, तो कुछ टाइम लग रहे हैं, पर तो अब देख लेते हैं हम अपने ईयर टिप्स को। ईयर टिप्स हमारे पास 4 ईयर टिप्स मिलती हैं बेसिकली हमें इसमें जो टोटल है, और ये आप लोग उस पर ईजीली लगा सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद जो हमें हमारे मिलते हैं मेन प्रोडक्ट, जो कि ईयरबड्स है, जो कि प्लास्टिक के अंदर रैप्ड होते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और आप देखिए सर इनकी क्या ही ज़बरदस्त लुक है, मैट ब्लैक, लाइक सबकी फेवरेट लुक होगी ये, और मतलब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। मेरे पास पहले हेलो T19 थे, पर ये उनसे वे बेटर लुक्स में है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी क्वालिटी। वो ईयर टिप्स थे और ईयरबड्स के ऊपर एक डायमंड पैटर्न सा बना हुआ है, तो ये इसको काफ़ी ऑसम लुक देता है। और आई होप कि आप लोगों को ये ईयरबड्स पसंद आए होंगे। इनका रिव्यू जल्दी आएगा आप लोगों को। अगर तो ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग कर सकते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।